जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले DSLR और मिररलेस कैसे वर्क करते हैं। और वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा कैमरा इन फ्यूचर आपके लिए सही है। देखो, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, सिनेमेटोग्राफर है, उनको तो पता है कि DSLR क्या है, मिररलेस क्या है, फुल फ्रेम क्या है, क्रॉप सेंसर क्या है, मीडियम फॉर्मेट क्या है। लेकिन एक बिगिनर लेवल का फोटोग्राफर जो 2024 में नया कैमरा लेने की सोच रहा है, या फिर YouTube क्रिएटर है जो नया कैमरा लेने की सोच रहा है लेकिन बहुत कंफ्यूज है कौन सा कैमरा ले, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोनी ठाकुर। आज मैं डिटेल में बताऊंगा मिररलेस और DSLR में क्या डिफरेंस है। DSLR एक ब्रांड बन चुका है। जब हम किसी भी फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा देखते हैं तो हमें लगता है कि उसके पास तो यार DSLR है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कैमरा मतलब DSLR तो आपका मोबाइल फ़ोन में भी तो कैमरा होता है, तब तो वो भी DSLR हुआ। कैमरा कई टाइप के होते हैं, DSLR, मिररलेस, एक्शन कैमरा, GoPro, सिनेमा कैमरा, रेड और एरी के कई टाइप्स ऑफ कैमरा होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ कैमरा होते हैं ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अभी हम इस सब को छोड़कर अपने टॉपिक पे आते हैं। बात करें आज की टॉपिक की, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि DSLR और मिररलेस कैसे वर्क करते हैं। DSLR के सेंसर के जस्ट आगे एक मिरर लगा होता है और उस मिरर के थ्रू हमें व्यूफाइंडर से दिखता है, और जैसे ही हम शटर बटन को प्रेस करते हैं तो मिरर ऊपर चला जाता है और जो भी इमेज है वो सेंसर पर कैप्चर हो जाता है। लेकिन मिररलेस कैमरा में ये मिरर ही नहीं होता है, जिसके कारण इसका नाम मिररलेस है। और जो भी आप कैप्चर करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट सेंसर पे शो हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिकल व्यू फाइंडर होता है और जो भी आप देखते हैं उसको इजी कैप्चर कर सकते हैं। DSLR में मिरर होना और मिररलेस में मिरर नहीं होना, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी के कारण दोनों कैमरा में सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। DSLR में मिरर होने की वजह से ये कैमरा बहुत ही हैवी वेट और बल्की होता है एज कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा। मिररलेस कैमरा में मिरर नहीं होने की वजह से मिररलेस कैमरा बहुत ही लाइट वेट हो जाता है एज कम्पेयर टू DSLR। फास्ट शूटिंग में भी मिररलेस कैमरा DSLR कैमरा से बहुत आगे है। जहाँ DSLR में 5 फ्रेम पर सेकंड, 10 फ्रेम पर सेकंड फोटोशूट होता है, उसी प्राइस के मिररलेस कैमरा में 15 फ्रेम पर सेकंड, 23 फ्रेम पर सेकंड का स्पीड मिलता है। DSLR में मिरर होने की वजह से मिरर को अप एंड डाउन होने में टाइम लगता है, जिसके कारण हमें फ्रेम रेट थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो या फिर वेडिंग शूट करते हो, कहीं पे भी ऐसा मोमेंट है जो आप मिस करना नहीं चाहते, वहाँ पर फ्रेम पर सेकंड बहुत ही काम आता है। महंगे से महंगे DSLR कैमरा में फोकस पॉइंट सेंटर में देखने को मिलता है, जिससे फोकस करने में काफ़ी टफ होता है और काफ़ी कम फोकस पॉइंट होता है। लेकिन मिररलेस कैमरा में DSLR के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फोकस पॉइंट देखने को मिलता है और कहीं पे भी आप इजीली फोकस कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप एकदम फास्ट और स्मूथली फोकस कर सकते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर है, ट्रैवल करते हैं और जगह जगह जाके ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें मिररलेस कैमरा आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। लाइट वेट है, ईजी टू कैरी है, आप कहीं भी लेके आराम से शूट कर सकते हैं मिररलेस कैमरा से। DSLR कैमरा कई सालों से मार्केट पे राज कर रहा है, जिसके कारण लेंस की वैरायटी DSLR में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और मिररलेस कैमरा के कंपैरिजन में DSLR कैमरा के लेंसेज काफ़ी चीपेस्ट होते हैं। लेकिन 2024 चल रहा है, मिररलेस कैमरा के भी कई सारे टाइप ऑफ लेंसेज आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन DSLR के कंपैरिजन में मिररलेस कैमरा के लेंसेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट क्वालिटी भी काफ़ी बेटर मिलता है DSLR लेंसेज के कंपैरिजन में। DSLR में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है, ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होने की वजह से कोई भी बैटरी कंज्यूम नहीं करता है। वहीं मिररलेस कैमरा में इलेक्ट्रॉनिकल व्यू फाइंडर होता है जो काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। बैटरी के कंपैरिजन में DSLR मिररलेस से आगे है, काफ़ी टाइम तक DSLR की बैटरी बढ़िया चलती है एज़ कम्पेयर टू मिररलेस कैमरा, बट ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आप डुअल बैटरी के साथ भी इजीली वर्क कर सकते हैं। जब से मिररलेस कैमरा मार्केट में आया है तब से सारी कंपनी मिररलेस कैमरा ही बना रही है, चाहे कैनन हो या निकॉन, सोनी तो स्टार्टिंग से ही मिररलेस कैमरा बना रहा है,
और सारी कंपनी ने DSLR कैमरा बनाना पूरी तरीके से बंद कर दिया है और इन फ्यूचर हमें सारे कैमरा मिररलेस में ही देखने को मिलेंगे। जब तक मिररलेस कैमरा से एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ जाता तब तक तो हमें मार्केट में मिररलेस कैमरा ही देखने को मिलेगा। अब जितने भी नए टेक्नोलॉजी है वो सारे मिररलेस कैमरा में देखने को मिल रहा है, चाहे वो आई डिटेक्शन हो, व्हीकल डिटेक्शन हो, प्रोडक्ट शूट कर रहे हो, एनिमल डिटेक्शन हो, सारे एडवांस टेक्नोलॉजी मिररलेस कैमरा में देखने को मिल रहा है, जिसका बेनिफिट यह है कि आप इजीली वर्क कर सकते हो DSLR के कंपैरिजन में मिररलेस कैमरा से। तो अगर आप भी एक नया कैमरा लेने की सोच रहे हैं तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि इन फ्यूचर आपको कौन सा कैमरा लेना सही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ऐसी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।